हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर सीखेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में वेक्टर फिजिक्स में वेक्टर एक अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखने वाला टॉपिक है। और ये मान के चलिए कि जो बच्चे वेक्टर्स को सीख नहीं पाते तो समझ लीजिए उनकी 50% फिजिक्स बेकार हो जाती है, क्योंकि वेक्टर के कॉन्सेप्ट को सीखना फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है। वेक्टर कैसे अप्लाई करते हैं फिजिक्स में, ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट को तरीके से नहीं सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन में, और आप ध्यान से सुने मेरी आज की क्लास को, क्योंकि वेक्टर्स में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके लिए पूरी फिजिक्स में हेल्प करेगी। मतलब मेरा टॉपिक आज ये अकेला वेक्टर ही नहीं है, मैं आज की क्लास में आपको ये बताने वाला हूँ कि इस वेक्टर का यूज मैं अपनी पूरी फिजिक्स में कैसे करूंगा। और ये बेसिक टूल्स हैं, ये हमारे हथियार हैं, जब तक हम इन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हम लोग फिजिक्स को ब्यूटीफुल नहीं बना पाएंगे, फिजिक्स को बेहतर से बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो मेरी आज की क्लास को बड़े ध्यान से सुनना है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि सबसे पहले जब फिजिकल क्वांटिटीज की डिस्कवरी होती थी, लोगों ने देखा मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर्ड कर सकते हो, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटीज है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो धीरे 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 फिजिकल क्वांटिटीज आती रही। जब फिजिकल क्वांटिटीज की डिस्कवरी हो रही थी तो हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मास, मैं आपको बताता हूं मास के बारे में। मास हमने देखा कि जब मास का मेजरमेंट करते थे तो मास के मेजरमेंट में सिर्फ यह बताना था कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, सिर्फ ये बताना था 1 kg। ये जैसे ये देखो, तो वन एक न्यूमेरिक वैल्यू है और जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब मास के मेजरमेंट करना, मतलब 1 kg, 1 मतलब मैग्नीट्यूड कि कितनी मात्रा का मास है, और बच्चों किलोग्राम मतलब यूनिट, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कई फिजिकल क्वांटिटीज और डिस्कवर हुई, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, तो बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे सामने आती गई। तो कुछ क्वांटिटी की डिमांड ये थी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो तो काम चल जाएगा, और कुछ क्वांटिटी डिमांड करती थी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। जैसे आपकी मम्मी आपसे बोलती है, जा बेटा 2 किलो शक्कर ले आ, तो आप दुकानदार के पास जाकर ये नहीं कहते कि अंकल जी 2 किलो शक्कर दे दो 60 डिग्री के एंगल पर कि 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसा आप नहीं कहते। मतलब आपने सिर्फ अंकल जी को क्या बोला, 2 kg शक्कर देनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला। मतलब 2 kg मतलब आपने सिर्फ क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया, आपने ये नहीं बताया कैसे देनी है, आप समझ रहे हैं। तो मास का मेजरमेंट करने में सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड थी। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं बच्चों, एक ब्लॉक पर 10 N का फोर्स लगाओ तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि सर कैसे लगाना है वो 10 N का फोर्स। फॉर एग्जांपल 10 N का कोई बच्चा ऐसे लगाएगा, कोई बच्चा ऐसे लगाएगा 10 N का फोर्स, कोई बच्चा ऐसे भी लगा सकता है 10 N का फोर्स, और कोई बच्चा ऐसे भी लगा सकता है 10 N का फोर्स। तो देखिए बच्चों, हर जगह फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 10 10 10, क्या सभी फोर्सेस के कारण बॉडी सेम स्पीड से या सेम फोर्स से चलेगी? नहीं। क्यों? आपको जैसा महसूस होता है कि अगर ये वाला 10 लगाया तो बॉडी चलेगी नहीं, ये वाला 10 लगाया तो बॉडी एक्सेलरेट इधर होगी, ये वाला लगाया तो डेफिनेटली कम इंपैक्ट होगा। इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 10 N है। आप नोटिस करेंगे हर जगह फोर्स की वैल्यू तो 10 है,
क्या उस 10 न्यूटन का पूरा इफेक्ट ब्लॉक को जा रहा है क्या? नहीं, तो हमने जो फोर्स डिस्कवर की क्वांटिटी, उसके लिए एक्स्ट्रा चीज की डिमांड थी, जिसे हम लोग कहते थे डायरेक्शन। तो फिजिक्स में धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटी एक तरफ से डिस्कवर हुई, मास, टाइम, टेम्परेचर, ऐसे क्वांटिटी आती रही। इसी प्रकार कुछ क्वांटिटी ऐसी आई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मास, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज बताई, कुछ ऐसी आती रही जिनको मेजर्ड करने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए थी, मैग्नीट्यूड। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आती रही जिनको मेजर्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अच्छा, एक बात बताओ, जिसको मेजर्ड करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, ऐसी क्वांटिटी को नाम दिया क्या, स्केलर। अब बच्चों, जो क्वांटिटी स्केलर है, उसका पढ़ने का क्या रोल है, स्केलर में क्या रोल हो सकता है, आप सोचिए। 2 किलो 3 2 किलो शक्कर, 3 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर, 10 किलो शक्कर, 10 किलो शक्कर, 20 किलो शक्कर। लेकिन 10 न्यूटन और 10 न्यूटन कितने होंगे, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन लग कैसे रहे किसी बॉडी पर। जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन एक बॉडी पे ये लग रहा है ऐसे, और दूसरा 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो आप देखिए बॉडी पर आप क्या बोलोगे, टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 20। अब आपने इस बॉडी पर एक फोर्स 10 न्यूटन ये लगाया, और दूसरा फोर्स भी 10 न्यूटन ये लगाया अपोजिट में, तो मैं पूछता हूं कितना लग रहा है, तो आप बोलते हो सर नेट जीरो लग रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्या आपने देख लिया कि आपने जीरो बोल दिया, ऐसा इसमें क्या देख दिया कि आपने इसमें कितना बोल दिया, 20 बोल दिया। इसका मतलब आपका दिमाग तो चलता है, आपको इतना पता है कि ये 10 और 10 20 होते हैं, 10 और 10 0 होते हैं, लेकिन मास में कभी आपने सुना है कि 10 और 10 0 होते हैं? इसका मतलब आपको ये तो पता है कि दो फोर्सेस अगर मैं एक दूसरे के पैरेलल लगा रहा हूं तो आंसर 20 आ रहा है, और एक दूसरे के अपोजिट लगा रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब एक दूसरे के पैरेलल लगा रहा हूं तो 20 न्यूटन आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट लगा रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन कितने होते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। क्या बच्चों, आप ध्यान से देखना, अगर 10 10 0 भी हो सकते हैं, अगर मैं ऐसे 10 लगाऊंगा, ऐसे 10 लगाऊंगा, तो क्या 20 होंगे कि 0? तो मेरे अंदर से आवाज आती है 0 तो नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा, क्योंकि 20 ऐसे है, 0 ऐसे है, तो ये आंसर 20 और 0 के बीच में होगा। अब आप सोचिए कि आपने 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के आंसर कितने हो सकते हैं, अपोजिट में लग जाए तो 0, पैरेलल लग जाए तो 20, क्या इसके अलावा और भी आंसर हो सकते हैं, कितने, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 और 10 न्यूटन कैसे लग रहा है, पैरेलल लग रहा है तो 20, अपोजिट में लग रहा है तो 0, और इसके बीच में आंसर कितना होगा, 0.1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, 0.3, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, सब आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे ऐसे, इन्फिनिटी। आप सोचिए कि मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज को रिसॉल्व करने के लिए आंसर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 1 किलो और 1 किलो शक्कर, 1 किलो शक्कर प्लस 1 किलो शक्कर कितनी होगी, सिर्फ 2 किलो, 1.5 किलो हो सकती है कभी, नहीं, 0 किलो हो सकती है, नहीं, 1.25 किलो हो सकती है, नहीं। इसका स्केलर के ट्रीटमेंट का आंसर सिर्फ क्या होगा, 1, और जो कि सीधा सीधा सिंपल सा एडिशन होगा। लेकिन वेक्टर में है, वेक्टर अगर फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर हुई तो क्या आप नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। नॉर्मल मेथड से जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब हमारी फिजिक्स में जो क्वांटिटी वेक्टर आने वाली हैं, कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, तो बच्चों इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर स्टडी होनी है, ना कि हमारी इन क्वांटिटीज के ऊपर, कौन सी, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इनके ऊपर स्टडी नहीं होनी, क्योंकि इनको सीधा सीधा हम सिंपली जोड़ देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। बट यहां पर एक रूल बनता है इन वेक्टर्स क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए। तो हमारी फिजिक्स में अगर 10 न्यूटन 10 न्यूटन होता है तो आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा जब तक एंगल। तो हमारे सामने फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी जो वेक्टर्स की डायरेक्शन की डिमांड करती थी, और कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जो डायरेक्शन की डिमांड नहीं करती थी। जिन जो डिमांड करती थी उनको नाम दिया था वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन की डिमांड नहीं करती उनको दिया था क्या, स्केलर क्वांटिटी। बच्चों एक बात सोचो,
क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसका मैग्नीट्यूड ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोलूं एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब आपको क्या समझना है कि हमारी फिजिक्स में क्या है, दो तरह से क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। Those physical quantities which having a magnitude as well as direction is called vector quantity. And those physical quantities which having a only magnitude, not required the direction, this is called scalar quantity. हमारी physics में vector quantities हैं, scalar quantities हैं, कई books वाले tensor quantities भी कहते हैं, लेकिन बच्चों हमारी physics में टेंसर के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है और ना ही टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम टेंसर क्वांटिटी की डिस्कशन नहीं करेंगे। वो भी एक क्वांटिटी अभी डिस्कवर, मतलब एक डिस्कवर और हुई है इसके अलावा, लेकिन हमारी फिजिक्स में सिर्फ या तो हम वेक्टर को जानते हैं या स्केलर को जानते हैं, टेंसर को नहीं जानते, क्योंकि इसने बड़ी टेंशन दी, इसलिए इसको टेंशन को साइड में रखते हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? एक तो वेक्टर क्वांटिटीज है मेरे पास, एक कौन सी स्केलर क्वांटिटी, क्या स्केलर के लिए कोई रूल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 3 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम 8 किलोग्राम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा जोड़ना है, हटा दीजिए, साइड कर दीजिए। अब कौन सी बची? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी बची? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होने वाला है? इसमें रूल आपको सीखना है, क्योंकि डेफिनेटली आप समझ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया बच्चों? तो दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों हमारी फिजिक्स में डायरेक्शन का बड़ा रोल है यार, जब तक डायरेक्शन नहीं है तब तक कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब हमें, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपकी पूरी फिजिक्स के अंदर कभी भी कोई डायरेक्शन का इशू नहीं आने वाला। आप बस थोड़ी सी मेरी बात की, मतलब आज की क्लास को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है, और दिक्कत आए मुझसे पूछना है, बस इन चार बातों का ध्यान रखना है, और साथ साथ एक नोट पेन पेपर लेके बैठना है, जिससे कि आप उन चीजों को नोट करते चलो। हो सकता है आप बार बार आप वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्टेज होगा, लेकिन अभी आप नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ में भी आएगा। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि दो फिजिकल क्वांटिटीज Which having a magnitude as well as direction is called vector quantity. अब vector quantity में displacement, पहले आप मेरे कहने से hardly बोल रहा हूं मैं, 5 से 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। इन 5 से 7 फिजिकल क्वांटिटीज सीख कर आप पूरी फिजिक्स के अंदर आने वाली सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीख जाएंगे। तो देखिए जरा कैसे डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते हैं हम लोगों को। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अभी हालांकि मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करना बताऊंगा कि कैसे हमें डायरेक्शन, कई बार बच्चा सोचता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है कौन सी स्केलर है? आपके कॉमन सेंस से, आपके कॉमन सेंस से पता चलेगा कि क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर, आपके लॉजिक से पता चलेगा बच्चों। तो धीरे धीरे आप जब चीजों के साथ यूज टू होंगे, जब चीजें सीखते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको खुद को कॉमन सेंस होने लगेगा कि यार ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए कि स्केलर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? देखिए पहली चीज है कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 9th क्लास में सिखाया जाता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक पर्सन ए पॉइंट पर है, फिर वो बी पर गया, फिर वो सी पर गया, पहले ये गया फिर ये गया, डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ? ए से लेके सी। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हुआ? इनिशियल से फाइनल। The displacement, it is the shortest distance between the initial and final point. It is the shortest distance between the initial and final point is called displacement. है ना? इसकी direction कहाँ है? ये है. Shortest path हमेशा एक ही होता है. दो कभी shortest path हो ही नहीं सकते. हमने कहा कि मुझे एक बंदा इस पास से घूमते गया और यहाँ पहुँच गया.
तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। क्या करना है आपको, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है, ये होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, कोई भी पाथ कैसा भी हो, आपने देखा कि मैंने स्ट्रेट लाइन पाथ लिया, फिर एक कर्व पाथ लिया, इसके अलावा मैं कोई भी पाथ लूं, बेटा आपके सामने कोई भी पाथ लूं, ये ले लिया मैंने, तो पहले पॉइंट यहां था, फिर वो बंदा घूमते हुए यहां पहुंचा फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल को आपको मिलाना है, ये होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ ही होती है। क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों पता है यहां सीखने वाली बात क्या, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बताने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज पता होनी चाहिए कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि मैं इसकी डिटेल आपको कहां से कहूंगा, काइनेमेटिक्स के अंदर, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वेक्टर्स है तो क्या मतलब है, सिर्फ आपको इसी की तो याद रखनी है। अब आपसे कोई पूछता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखना जरा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी फिजिक्स के अंदर जहां बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाता, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। फिजिक्स में क्या है, सीखना बड़ा कम होता है, समझना मतलब आप चीजों को सीखिए, समझ के सीखिए तरीके से। जैसे कुछ क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या अब हम समझ रहे हैं टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ये तो आपको पता ही है। कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि 11 बज गए हैं 40 डिग्री के एंगल पर, क्या आप बोलते हो कि 3 बज गए हैं 45 डिग्री के एंगल पर, कि 6 बज गए हैं 90 डिग्री के, कभी नहीं बोलते। मतलब आपको सिर्फ इतना बोलना पड़ता है कि 6 बज गए, 8 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए, 5 बज गए, तो डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या बोलते हो वहां पर, मैग्नीट्यूड। देखिए स्केलर, वेक्टर, तो पता है अब सीखने वाली बात क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों है ये आपके सामने, आप समझो बड़े ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग दो चार बातें आपने सीखी, तुरंत आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों का आपस में एक दूसरे से ही रिलेशन है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है, बस। अगर आपसे बोलता है कोई फोर्स, वेलोसिटी से कोई संबंध नहीं है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से कोई संबंध नहीं है, बेटा ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वेलोसिटी से। हमारी पूरी फिजिक्स में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें तरीके से सीखना होता है, तो उसमें पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो कि हमने बोला इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी है, वेक्टर है, समझ में है। अब देखना जरा ध्यान से आप लोग, जैसे आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में फॉर्मूला सीखा होगा एफ बराबर एम, सुनो आप सुनना जरा ध्यान से, एफ बराबर एम, एफ मतलब फोर्स है किसी बॉडी पर आपने लगाया क्या, धक्का। जैसे ही आपने उसकी बॉडी पर धक्का, बॉडी पर धक्का लगाया तो उसकी वेलोसिटी अचानक से चेंज हुई, तो समय क्या आया, एक्सेलरेशन। आप समझिए मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे, कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग है, ये बस ध्यान से सुनना। बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं जहां वेलोसिटी वहां फोर्स, कोई संबंध नहीं, जहां वेलोसिटी वहां डिस्प्लेसमेंट, जहां डिस्प्लेसमेंट वहां वेलोसिटी, जहां वेलोसिटी वहां डिस्प्लेसमेंट, जहां डिस्प्लेसमेंट वहां वेलोसिटी, और जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, जहां एक्सेलरेशन वहां फोर्स, इन दोनों का आपस में संबंध है, इन दोनों का संबंध है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आप समझिए मेरी बात ध्यान से, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, समझ रहे बच्चों मैं क्या सिखाना चाहता हूं, देखिए फिर सुनिए मेरी बात। मैंने आपसे कहा एफ बराबर एम ए, एफ ए, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब आप बोलोगे सर ये तो फोर्स वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है ना, ना फोर्स चेंज इन वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है, कोई
कोई आपसे बोले वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, सुनना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है। कोई बोले वेलोसिटी है तो फोर्स है, पता नहीं, हम नहीं कह सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है। कोई आपसे बोले वेलोसिटी चेंज है तो वेलोसिटी, बोले तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कोई आपसे बोले वेलोसिटी चेंज है तो इसका मतलब है वो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वो फोर्स है। इसका मतलब जब जब आवाज आपके सामने फोर्स की आए तो समझिए कि फोर्स एक एक्सटर्नल धक्का है जिसने इस बॉडी के अंदर क्या क्रिएट किया है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का नाम चेंज इन वेलोसिटी है। बच्चों हुआ क्या, जैसे एक बॉडी पड़ी है, आपने एक फोर्स लगाया, बॉडी चल पड़ी, तो हम बोलने लगे यार वेलोसिटी आ गई, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी आई, और चेंज इन वेलोसिटी आई तो उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, एक्सेलरेशन। फिर आपसे कोई बोले वेलोसिटी, देखना आप समझना ध्यान से, कोई आपसे इंफॉर्मेशन दे डिस्प्लेसमेंट की तो बोलना वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी की दे तो डिस्प्लेसमेंट है, कोई फोर्स बोले तो एक्सेलरेशन आया होगा, वेलोसिटी में चेंज, आप समझना मेरी बात ध्यान से। अगर इस दुनिया में फोर्स नाम आया है, फोर्स शब्द आपको दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन मौजूद है, और एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी, तीनों चीज एक है। फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलोंग है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसके अलोंग है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग है, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग है। आप ये मत समझना कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अरे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अलग है, ये तीन चीजें अलग है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जब आपको वेलोसिटी सुनाई दे तो डिस्प्लेसमेंट सुनाई देना चाहिए, जब आपको फोर्स सुनाई दे तो क्या सुनाई देना चाहिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सुनाई दे तो क्या देना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना वेलोसिटी सुनने में और चेंज इन वेलोसिटी सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी तो इसका अंदर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है, और चेंज इन वेलोसिटी बोलता हूं तो फोर्स भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या रखा गया, एक्सेलरेशन। एक सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो जाए उसका नाम क्या रखा गया था, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन नाम की चीज आती कहां से है, फोर्स से। इसका नाम फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी है, बस। कोई आपसे बोले कि वेलोसिटी है तो फोर्स है, नहीं कह सकते, हाँ वेलोसिटी चेंज है तो फोर्स है, 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 और फोर्स है तो एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज एक, ये दोनों चीज एक, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, बस आप ये समझ। आपने ये समझा नहीं कि बस दौड़ पड़ेंगे आप फिजिक्स के अंदर, कुछ बेसिक बातें तो सीखनी आपको। आप इलेवेंथ में जाएंगे तो फोर्स फोर्स चिल्लाएंगे हर तरफ, क्या चिल्लाएंगे आप, फोर्स चिल्लाएंगे, मोमेंटम चिल्लाएंगे, एनर्जी चिल्लाएंगे, खत्म फिजिक्स इलेवेंथ की। क्यों है, क्या है, शुरुआत में पढ़ेंगे पहला चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, मोशन वगैरह, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ये सब होगा। दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इसमें फोर्स आ जाएगा। तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, इसमें एनर्जी आ जाएगी। चौथे में सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटेशन आ जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होने चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे ये पूरे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लगना चालू हो जाएंगे। तो आपको कुछ अलग नहीं सीखना, आप कुछ बेसिक पॉइंट्स को सीखना है। अब आपके छोटे से सीखने से बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। इसका मतलब बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आपको नाइन्थ से रिलेट कर रहा हूँ, इलेवेंथ से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इलेवेंथ में जब हम चीजें सीखते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वांटिटीज के बारे में पता रखना है, कि कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो देखिए बच्चों, ज्यादा आपको पेन नहीं देना, समझना कैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज के बारे में बोलूंगा। नंबर वन, जैसे मैंने अभी आपको डिस्प्लेसमेंट सिखा दी कैसी है, वेक्टर, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर, वेलोसिटी डायरेक्शन किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, किसके अलोंग है डायरेक्शन, एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन किसके अलोंग है, चेंज इन वेलोसिटी के, तीनों चीजें कैसी हैं, एक जैसी, अलग तो नहीं है ना, बस अब आपको सीखना है। तो आप इतना तो समझ में आएगा मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। इंपल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो आपको इतना पता है ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। इतना पता लगा लेंगे, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं ना, पता गारंटी के साथ लगा लेंगे
बस आपको शुरुआत की दो चार फिजिकल क्वांटिटीज याद हो, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है इसलिए कौन है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। समझ में याद क्या रखना है, सुनना, एरिया, ये बड़ी काम की चीज है यार, एरिया, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको सीखना है, एरिया, ये काम की चीज, ये बोर्ड है, जितना भी बड़ा बोर्ड है ना, ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये एरिया तो है, आपको दिख रहा है, महसूस हो रहा है, इसकी भी डायरेक्शन होती है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इस बोर्ड के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन ये रहेगा, आप समझ रहे, इस बोर्ड के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर प्लेन, देखना ये डायरेक्शन, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, सब जगह पूरा प्लेन एक जैसा है ना, इसलिए, और अगर कर्व होता तो, अगर कर्व ऐसे होता तो डायरेक्शन ये 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 ऐसे हो जाता, मतलब एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हथेली है मेरी, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे रखी है, तो अब इस अभी हथेली की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसमें अंतर है क्या, हाँ है, अभी इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, अब कहाँ है, इधर, अब कहाँ है, नीचे, अब कहाँ है, इधर, इसका मतलब एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आपको याद रखना है, पहला जो जो पॉइंट आपको याद रखना है उनको बड़े ध्यान से सुनना है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दूसरे नंबर पर, जैसे हम लोग एरिया पे याद रखेंगे, मैंने आपको जैसे अभी चार पांच बताई ना, इन चार पांच से पूरी मेहनत में काम हो जाएगा, आपको इनका कुछ याद ही नहीं रखना, हाँ जैसे और भी, जैसे मैं बात करता हूं आपके लिए, इसके अलावा अगर मैं और फिजिकल क्वांटिटी बात करूं, जो स्केलर हैं उनको सुनना है, पहले नंबर पे तो करंट, करंट पता है स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मली बच्चों को लगता है करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना, हालांकि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं एक वायर में 5 एम्पीयर की करंट जा रही है और इसमें भी 5 एम्पीयर की जा रही है, तो ये दोनों वायर से निकल के कितने की जाएगी, आप बोलते हो 10 एम्पीयर की जाएगी, तो आपने कहा सेम डायरेक्शन पिछले कर रही, अगर मैं बोलता हूं इस वायर में 5 एम्पीयर की करंट जा रही है और इधर से भी 5 एम्पीयर की जा रही है, तो कितनी जाएगी, तो आप बोलोगे सर 0 जाएगी, आपका आंसर ये भी सही है ये भी सही है, आपने बोला 5 और 5 सेम डायरेक्शन में तो 10 हो गया, 5 और 5 अपोजिट में तो 0 होता, आंसर दोनों सही है, लेकिन पता है स्केलर है वेक्टर नहीं, आपको यही सीखना है, ये वेक्टर नहीं है स्केलर है, हकीकत में ऐसे करंट जाती ही नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है, हकीकत में जाती ही नहीं, शॉर्ट में समझिए कि अगर 5 एम्पीयर की करंट ये जा रही है तो वायर को टिल्ट करके कम जाएगी क्या, अभी 5 जाएगी, ऐसे टिल्ट कर दोगे तो भी 5 जाएगी, एक वायर को ऐसे 5 एक वायर को ऐसे 5 तो भी अंतर कितनी जाएगी, 10 ही निकलेगी, ऐसे ले जाओगे तो भी कितनी निकलेगी, 10 निकलेगी, हालांकि इसका जो टेक्निकल रीजन वो ये नहीं है, टेक्निकल रीजन बच्चों मैं आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा कि, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो बात लिख रहा हूं, आपको प्रॉब्लम यहां आ सकती है, एरिया वेक्टर है, मतलब एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है, यहां पर ऐसा नहीं आपको क्वांटिटी तो बहुत सारी है, आपको सब याद नहीं कर रहा हूं, मुश्किल से 3-4 वेक्टर कह रहा हूं, 3-4 स्केलर कह रहा हूं, टोटल 7 है क्वांटिटी, आपको देखने पूरी फिजिकल क्वांटिटी इस बार एंजॉय कर सकते हो, खेल सकते हो, तो दूसरे नंबर पर आती है प्रेशर,
प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, तो लगता है प्रेशर भी वेक्टर होगा, नहीं स्केलर है, ये भी आपको याद रखना है। अब इन सब के टेक्निकल रीजन जब जब चैप्टर आएंगे तब तब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे भी प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए आधा घंटे का वक्त लग जाएगा, मुझे करंट को एक्सप्लेन करने में सर्किट बना के बैटरी लगा के तब सॉल्व कर पाऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ, क्योंकि मुझे चैप्टर जब आएंगे प्रेशर की जब मैं बात करूंगा तब आपको समझाऊंगा ये स्केलर क्यों है, करंट की बात जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब आपको बताऊंगा कि स्केलर क्यों है। तीसरे नंबर पर वर्क स्केलर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कैसी है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसी है वेक्टर, लेकिन वर्क कैसी है स्केलर। जहां से कंफ्यूजन होता है वो बातें हम लोगों को याद रखनी है, जैसे करंट स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, वर्क स्केलर है, तीन बातें आपको याद रखनी है। फिजिक्स में ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बाकी का मास तो आप कॉमन सेंस से बता ही सकते हैं। जहां कंफ्यूजन आएगा, टेम्परेचर है, अब आपको पता है टेम्परेचर कैसा हुआ, स्केलर हुआ, वेक्टर तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का फीवर आया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का या 40 डिग्री सेल्सियस का इतने डिग्री एंगल पर, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। इसके अंदर टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। टेम्परेचर आप बता सकते हो, मास आप बता सकते हो, टाइम आप बता सकते हो, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। तो बच्चों आपको खुद को बस, फिजिक्स में तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन आपका धीरे धीरे कॉमन सेंस डेवलप होता जाएगा कि कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है। तो मैं भी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज को आना सीखना है कि स्केलर में एक तो करंट को आपको याद रखना है, एक प्रेशर को याद रखना है, एक वर्क को याद रखना है। ये तीन क्वांटिटीज का यूज थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आपके दिमाग के सामने ये बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा, यार फोर्स वेक्टर है, एरिया सर ने बताया भी वेक्टर, तो प्रेशर भी वेक्टर होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने कहा फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये तो पक्का होना चाहिए? नहीं। तो वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर। प्रेशर कैसी, स्केलर। करंट कैसी, स्केलर। और एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर। फोर्स कैसी है, वेक्टर। एक्सेलरेशन कैसा है, वेक्टर। और जैसा मैंने अभी आपको बताया वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आया होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वेलोसिटी होती है, आप समझना, डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन आता है तो पक्के में फोर्स भी लगता है, तभी होता है। इसका मतलब जब जब फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज का नाम क्या रखा गया है, एक्सेलरेशन। जब जब फोर्स लगेगा तो क्या आएगा, आप समझो मेरी बात समझो, बॉडी डिस्प्लेस होगी तो क्या आएगी, वेलोसिटी। बॉडी डिस्प्लेस होगी तो क्या आएगी, वेलोसिटी। बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो क्या आ रही है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी में चेंज होने को आराम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, उस बॉडी पे क्या लगाया हो, फोर्स लगाया हो, समझ में आया। तो बच्चों आज मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया क्या कि व्हाट इज अ वेक्टर एंड व्हाट इज अ स्केलर। Those physical quantities which having a magnitude as well as direction is called vector quantity. It's called vector quantity. इसमें displacement, velocity, acceleration, force, momentum, impulse plus और आखिरी में area जरूर सीखना है, क्योंकि area बड़े काम की quantity है, वो आपको सीखनी है ना। उसके बाद scalar, those physical quantity having only magnitude is called scalar quantity. जैसे आपको mass है, time है, temperature है, करंट है, प्रेशर है, वर्क। लेकिन करंट प्रेशर वर्क को ज्यादा फोकस करना है, बस इतना सीख लीजिए। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि वेक्टर को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। तो आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन बताया, कैसे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग वेक्टर की कैसे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कैसे डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगाएंगे, कूलाम फोर्स कैसे लगाएंगे, न्यूटन्स फोर्स कैसे लगाएंगे, ये सब चीजें हम सीखेंगे। तब हमें हेल्प देगा कौन, ये वेक्टर हेल्प देगा। तो आज की क्लास में सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था बच्चों। आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी जिस बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, तो बच्चों मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक फ्रेंड फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, और लाइक करना भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय।